हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्टफोन फॉर यू। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने डेस्कटॉप पर या अपने मोबाइल पर आप पीडीएफ फाइल खोलते हैं तो पीडीएफ फाइल में बहुत सारे वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है। तो हमको कोई पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो हम वो कैसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ फीचर्स के बारे में कि आप जो पीडीएफ फाइल है उसमें किसी वर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं तो कैसे सर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको और उसके फीचर्स बताऊंगा, बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स होंगे जिससे कि आप उसे इजीली उसको देख पाएंगे। तो चलो दोस्तों, से पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है। तो पीडीएफ फाइल को मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ओपन विथ आ रहा है। ओपन विथ करने के बाद मैं इसको इंटरनल एक्सप्लोरर से मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहला तो ये छोटा छोटा दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऊपर आपको पट्टी दिख रही है, इस पर आपको ये प्लस का साइन दिया हुआ है और ये माइनस का साइन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस में दिखा हुआ है कि जूम आउट और ये जूम इन, तो मुझे क्या प्लस करना है। तो प्लस में मतलब ये जूम इन हो जाएगा, मतलब कि बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्लस करके आप इसको बड़ा देख सकते हैं और अगर को आपको पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। अगर आप पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगा और आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको छोटा दिखना है तो माइनस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो छोटा दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बहुत बड़ा पीडीएफ है, देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 125 पेजेस हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है तो आप देखिए यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे सिंपल सा। और जैसे कि हमको कोई सर्च करना है जैसे कि प्रेशर, तो PRESSURE प्रेशर हम लोगों ने सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि पूरे पीडीएफ में प्रेशर 23 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो 23 वर्ड्स, ये 439 टोटल वर्ड्स दिए हुए हैं प्रेशर के, जिसमें से 23 ये दिख रहा है। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट दिख रहा है, ये प्रीवियस रिजल्ट। तो हम इसको नेक्स्ट करते जाएंगे तो नेक्स्ट जहां जहां भी प्रेशर लिखा होगा तो वो देखो आप यहाँ पर देखो ये इंडिकेट करने लगा कि यहाँ पर प्रेशर लिखा हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ तो देखो अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर दिखेगा। फिर इस तरह से जितना भी प्रेशर लिखा होगा तो हमको इंडिकेट करेगा। तो हम इस तरह से कोई अगर पर्टिकुलर वर्ड हम लोग सर्च करना चाहते हैं तो इस तरह से हम लोगों को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग अगर पीछे देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर क्लिक करके हम पीछे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे यहाँ पर प्रेशर सर्च किया, आप जैसे टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर सर्च किया मैंने, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे पीडीएफ फाइल में 143 वर्ड्स हैं जो टेम्परेचर लिखा हुआ है, जिसमें से ये वाला जो दिख रहा है वो 12th का है। अगर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस पे चला जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ भी पहले इसके पहले टेम्परेचर लिखा होगा तो वहां पर शो करेगा। और ये नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो जो आगे जो टेम्परेचर लिखा हुआ है जहाँ भी, तो वो हम लोग सर्च करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हाईलाइट करके बताएगा तो इस तरह से हम लोगों को कोई भी वर्ड सर्च करने में आसानी होगी। तो ये तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर किस तरह से आप उसको सर्च कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा सिंपल और यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा तो उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि आप किस तरह से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रीड मोड दिया हुआ, तो लेआउट दिया हुआ, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो आपको रीड मोड दिया हुआ है। ये आपका सिंगल पेज दिखेगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि टू पेजेस लेआउट दिखा हुआ। अगर इस पर क्लिक कर दो देखो एक साथ दो दो पेज मुझे दिखेंगे, ठीक है। तो आपको जिसमें आसानी हो वो आप देख सकते हैं। तो मैंने सिंगल पेज पे यहाँ पर क्लिक कर दिया है, ठीक। तो इस तरह से अगर आपको फुल स्क्रीन में जाना है तो ये जो सिंबल दिया है उस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये फुल स्क्रीन में पहुंच जाएगा, ठीक है। देखो अब ये फुल स्क्रीन में आ गया। तो इस तरह से आप इसको मतलब ये फीचर्स को यूज कर सकते हैं। और आपने पीडीएफ में कोई भी वर्ड आपको सर्च करना है तो इजीली यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपकी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू।